चीनी है विनी है खुशबू तेरी है मैं बहक रही हूँ, अच्छी है विनी है बोलियाँ तेरी है मैं चहक रही हूँ। तू चाहत पुरानी अदा बन गई है यकी तो दिला दे तू है या नहीं है। फिसलने लगी हुई हुई मैं तो हुई शायराना हुई, हुई हुई मैं तो हुई शायराना हुई। गुनगुनाने लगी आसियाना हुई। मेरे किरदार का नाम है स्वरा। स्वरा का कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा बबली चोपी, थोड़ा सा ज़्यादा बोलती है, चटरपटर करती है, मॉडर्न है, कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ में। उसको अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो बिल्कुल अच्छे से जानती है, क्योंकि उसको उसकी माँ से और उसकी नानी से यही ट्रेनिंग मिली है, मतलब यही सीख मिली है कि बेटा अपनी लाइफ को जैसे जीना है वैसे तुम जियो, बट कभी इस चीज़ को यू नो मिसयूज़ मत करो, कभी उनकी एक्सपेक्टेशन को ख़राब ना होने दो, नीचे ना करने दो। सेंसिटिव है, मैच्योर भी है, कैसे सारी सिचुएशंस को हैंडल करना है, कैसे सब उसके हिसाब से कैसे अपने आप को ढालना है बहुत अच्छे से जानती है। म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसे, गिटार बजाना बहुत पसंद है। एक और बात, स्वरा को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार उसकी माँ और उसकी नानी से है। नानी के हाथ का नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद करती है, स्पेशली फिशेस, बेकटी जो नानी बनाती है उनके तरीके से वो बहुत पसंद करती है। और उसकी माँ का जो प्यार है, इनफैक्ट उसकी माँ का जो केला पहने उसकी उनकी लाइफ में उसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं करती अपनी माँ से। अगर आप रागिनी के बारे में जानना चाहेंगे तो बहुत शांत है, सरल है, बड़ों का कहाँ मानती है। मारवाड़ी फैमिली से है तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है, पर उससे उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बड़ों की बात मानने में कुछ गलत नहीं समझती। आज की लड़की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ नहीं करती, क्योंकि आज की लड़कियां अगर सिर्फ हिंदी में बात करें या जैसे मैं बात करती हूँ मैं करके बात करती हूँ, पर रागिनी हम करके बात करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज की लड़की नहीं है। आज की लड़की है पर उसमें सारे गुण हैं जो एक माँ या अपनी दादी अपनी बेटी में चाहेंगी। संगीत में बहुत रुचि रखती है और कुछ भी कहती है दो बार पहले सोचती है कि किसी को बुरा ना लग जाए, कोई हर्ट ना हो जाए। एक्सप्रेस करने का अपना ही तरीका है, कुछ कह के नहीं एक्सप्रेस करती है, छोटी सी अदाओं से एक्सप्रेस करती है बस। okay. मेरे किरदार का नाम है लक्ष्य, और लक्ष्य को लगता है कि वो बहुत लकी है, और ये आजकल यूथ ऐसा लड़का है जो 20-22 साल के लड़के होते हैं जो अर्न नहीं करना चाहते और जिनके पास बहुत पैसा होता है, ये वैसा ही है। और मैं भी रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ, बट मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत पैसा है। तो ये जो लड़का है बहुत मज़ा आने वाला है इसको देख के आपको, क्योंकि वो दो लड़कियों के बीच में फंसने वाला है। फाइट में हमारा बिल्कुल भी हाथ नहीं होता, इनफैक्ट उस फाइट के बारे में हमेशा एक डाउट रहता है, एंड उस फाइट को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि दो परिवारों के बीच में इतने सालों से झगड़ा चल रहा है, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आप नेबर्स हो तो नेबर्स की तरह रहो, यूजुअली जो आपकी लाइफ में होता है नेबर्स बहुत हमेशा प्यार से रहते, लव दाय नेबर्स कहते हैं हम, पर हमारे यहाँ पर हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम देखना भी मत और बात भी मत करना, कुछ भी हो जाए तो इसका कारण नहीं पता है। हाँ। इसका कारण नहीं पता है, अभी तक दोनों जानी दुश्मन है। हम दोनों दुश्मन हैं बट हाँ हमारी फैमिलीज दोनों को एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती और दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं डबल लकी नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है। एक लड़की नहीं संभलती लाइफ में, यहाँ तो दो दो है और वो भी डिफरेंट। ये मारवाड़ी गर्ल लाइक गट्टा नमकीन, और ये रसगुल्ला, और एक टाइम पे दोनों नहीं खा सकते बट दोनों ज़रूरी हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है या ये, दोनों ज़रूरी हैं, नमक और मीठा। प्लीज़ हमारा शो देखिए स्वरागिनी मंडे टू फ्राइडे 9:30 ओनली ऑन कलर्स।